न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने आकाशो हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम जम्बो सिंह भूमिज उर्फ मजला, समीर गुर्फ उर्फ ट्रिपल और मंगला पात्रो बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून लगा सीमेंट का ईंट, एक चापड़ और खून लगा कपड़ा बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि मृतक की मां श्रीमती हो ने कदमा थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बीते 25 जून की रात 9 बजे आकाश हो द्वारा नशे की हालत में समीर गोप की मां को पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया था एवं गाली गलौज किया था। साथ ही मृतक आकाश हो द्वारा जम्बो सिंह भूमिज उर्फ मजिला के साथ भी विश्वकर्मा पूजा के समय गाली गलौज की गई थी। बताया गया कि वह हमेशा शराब के नशे में इन लोगों के साथ गाली गलौज करता था एवं जान से मारने की घने धमकी देता था, जिससे तंग आकर बदले की भावना से अभियुक्त जम्बो सिंह भूमिज उर्फ मजिला द्वारा योजना बनाकर मंगला एवं समीर गोप के साथ मिलकर 25 और 26 जून की रात्रि आकाश गोप को शराब के नशे में सोए हुए अवस्था में हिंदू होटल के समीप सीमेंट की ईंट एवं चापड़ से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस जून को कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म नगर निवासी श्रीमती हो के आवेदन पे एक FIR दर्ज किया गया, जिसमें उनके द्वारा 2 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया गया। कांड के अनुसंधान में थाना प्रभारी कदमा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा दोनों प्राथमिक अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो दोनों प्राथमिक अभियुक्तों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई। प्राथमिक अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के क्रम में यह बात पता लगी कि जो इस कांड में मृतक आकाश वो है, उनका दोनों प्राथमिक अभियुक्तों से तथा इस कांड में संलिप्त अन्य प्राथमिक अभियुक्त से बराबर किसी चीज़ को लेकर झगड़ा रहता था। घटना के एक दिन पूर्व भी जो समीर गोप प्राथमिक अभियुक्त है, उसकी मां का मृतक ने पत्थर से मारकर सर फोड़ दिया था, तो इसी चीज़ का फायदा उठा के जो जम्बू सिंह भूमिज है, अन्य कांडकार ने प्राथमिक अभियुक्त, उसने एक योजना बनाई, इसको हत्या करने की योजना बनाई। चूँकि विश्वकर्मा पूजा के आसपास ही जम्बू सिंह भूमिज की मृतक के साथ लड़ाई हुई थी, इसके बाद मृतक बराबर उसको मारने की धमकी देता रहता, तो इन दोनों ने योजना बना के इसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी। इस लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक अभियुक्तों में तीनों का किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मृतक का आपराधिक इतिहास है। घटना को किस तरह से अंजाम दिए? ये इन्होंने पहले रेकी किया, ये वहीं पे रामजन्म नगर में ही एक हिंदू होटल है, उसमें वो वहीं पे सोया रहता है, तो इन लोगों ने उस दिन रेकी किया, भूमिज ने ही रेकी किया, तो वहाँ सोया हुआ था, काफ़ी नशे की हालत में था। ये लोग करीब रात को 1:30 बजे वहाँ गया और पत्थर मारकर उसकी हत्या की।